एनएसयूआई ने की यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति। पंजाब अध्यक्ष अक्षय शर्मा की अध्यक्षता में की गई नियुक्ति, 1000 विद्यार्थी हुए शामिल। अमृतसर में एनएसयूआई के पंजाब प्रधान की अध्यक्षता में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के सामने एक विशाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस करवाई गई। हजारों की गिनती में विद्यार्थियों ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। इस मौके पर एनएसयूआई द्वारा पैनल की अनाउंसमेंट करते हुए पुनीत को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष व गुरिंदर भुल्लर को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते अक्षय शर्मा ने कहा कि आने वाली 2021 में विद्यार्थियों के दोबारा चुनाव कराए जाएंगे और विद्यार्थी ही प्रधान चुनेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले 2022 के चुनाव के लिए उनका एक ही नारा है कि एनएसयूआई का विद्यार्थी कांग्रेस के साथ है। वहीं पुनीत और गुरिंदर भुल्लर ने भी कहा कि उन्हें दी गई जिम्मेवारी को वे पूरी तनदेही से निभाएंगे। अज जो GNDU दे विच सामने स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की गई है वो दे उत्ते एक सीधा ते सीधा एक मैसेज दिता गया है आने वाली इलेक्शनों दे विच भी स्टूडेंट्स फॉर कांग्रेस का एक स्नेहा जो मैसेज एक नारा दिता गया है भी आने वाले समय दे विच विद्यार्थी 2022 दीआं इलेक्शनों दे विच कांग्रेस पार्टी की सोच दे नाल विचारधारा दे नाल मोढ़े दे नाल मोढ़ा जोड़ के कल्ला कल्ला विद्यार्थी चोणां दे विच नाल रहेगा ते दोबारा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बना के लोगों के हकों की सरकार लोगों के हितों की सरकार किसानी जवानी की सरकार बना के लोगों को सही राह पर पहुँचाया जाएगा। अज GNDU दे विच पैनल की अनाउंसमेंट की गई है पार्टी NSCI वालों। अज जी पुनीत संधु जी को प्रधान ते गुरिंदर भुल्लर जी को वाइस प्रधान की पोस्ट के उत्ते नियुक्त किया गया है। पिछले इन्हां दे कामकार नूं देखते हुए विद्यार्थियों के हकों के लड़ाई नूं देखते हुए इन्होंने जिस तरीके दे नाल विद्यार्थियों लई काम किए सीगे उन्हां नूं देखते हुए सारे विद्यार्थियों की सहमति दे नाल लोकां दी सहमति दे नाल साडे सीनियर्स की सहमति दे नाल पुराने रह चुके प्रधान साहिबाना की सहमति दे नाल दीप संधु जी सीगे साडे दीप संधु ते नाल जगमीत ढिल्लों जी JP सरपंच जी साडे माझे दे प्रधान शोभित जी इन्हां सारयां दी सहमति दे नाल पुनीत जी नूं अज इत्थे प्रधान नियुक्त किया गया भुल्लर साहब नूं वाइस प्रधान नियुक्त किया गया ते उम्मीद रखदे आं भी आने वाले समय दे विच विद्यार्थियों दे हक्कां लई काम करदे रहणगे। देखो इन्हां दी सब तो पहली ते डिमांड ते पहली मंग इह है भी जिस तरीके दे नाल वाइस चांसलर दी गड्डी अंदर जांदी है उन्हां सारयां लोकां दीआं गड्डियां अंदर जांदियां ने जो कि उस वाइस चांसलर दे चहेते ने उन्हां मंगां नूं लै के होए सब तो पहली मंग इन्हां दी जो बूम बैरीयर लगा के विद्यार्थियों नूं तंग किया जा रहा है। विद्यार्थी ने बैग्स ने कोल इन्हां को इन्ना कम है समान है इन्हां दी डिमांड है भी जां ते गड्डियां सारयां दी बंद कर दित्तियां जाण जे जाणगियां ते व्हीकल सारयां दे अंदर जाणगे। ये मंग इन्हां ने पहल दे आधार ते इन्हां ने आश्वासन दवाया भी इस मंग नूं लै के ये सारे यूनीवर्सिटी दे विद्यार्थियों तों साइनिंग कंपेन चला के सिग्नेचर कंपेन चला के एक डिमांड वाइस चांसलर दे अगे रखणगे। जे वाइस चांसलर इस डिमांड नूं नहीं मानदे ते इत्थे धरना प्रदर्शन बहुत वड्डे तादाद ते कीता जाएगा। देखो उस जिहड़ी लहर चलाई गई NSCI वालों इन्हां वालों ही चलाई गई है भी जिहड़े समय दे विच करोना दे चलदे हुए विद्यार्थियों दे लैक्चर नहीं लगे क्लासेस नहीं लगियां होस्टल च नहीं रहे मैस दे विच रोटी नहीं खाधी उहदी फीस देनी साडी नहीं बनदी उस फीस दे ना देण करके इन्हां दी पूरा एक सही ते रोह दे उत्ते लोकां नूं ते विद्यार्थियों नूं सुनेहा है भी कोई भी उन्हां कोल तंग करदा है विद्यार्थियों नूं फीस दे लई जां लेट फीस दे लई ते NSCI दे मोबाइल नंबर हैल्पलाइन नंबर अंदर लगे हुए ने जदों मर्जी फोन करो ये हमेशा सिंगल कॉल के उत्ते तुहाडे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जुड़ के खड़नगे। मैं पुनीत संधु कुमार देव यूनिवर्सिटी का प्रेजिडेंट मैं अपनी सीनियर कांग्रेस कमेटी के अपने पंजाब के प्रधान अक्षय शर्मा जी का धन्यवाद करता वा जिन्हां ने मैनूं पार्टी नूं होर मजबूत करने का मौका दिता ते मैं सारी जिम्मेवारी अपने तनदेही नाल निभावांगा ते अपने स्टूडेंटां दा वध तों वध साथ देवांगा मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के खड़ांगा। धन्यवाद। मुश्किलां इहो मेन गड्डियां दा मुद्दा है जी ते होस्टलां दे मुद्दे ने ते फीसां दे मुद्दे ने ये सारे आपां जे साडे नहीं मंगा पूरियां हुंदियां तो अं प्रोटेस्ट करांगे सड़कां उतरांगे। कारण की है जी यूनिवर्सिटी दे जिहड़े BC ने उन्होंने वल्लों लगातार नौजवानों नाल धक्का कीता जांदा पिछले दिन ही एक नौजवान है जिसने आत्महत्या की और उत्ते चोरी दा इल्जाम लगाया गया सी। कारण इहो है तानाशाही राज करन दे कलम हलाउंदे आ जो मर्जी करी जांदे किसे दी सलाह नहीं लैंदे कमेटी कोई नहीं इन्हां ने बनाई हुण साडी इही मंग आ पहिलां कि स्टूडेंट दी कमेटी तैयार कीती जावे उन्हां नाल सलाहां कीतियां जाण ते फिर जिहड़ा वी मुद्दा इहनां पास करना सब दी सलाह ना होवे। सर उसे नौजवान दा मुद्दा
ਬਿਲਕੁਲ ਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਨੀਤ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਐਨ ਐਸ ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਂਡ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮੀਆਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਹੀਕਲ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਇਕੱਲੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਟਾਫ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਆਂ ਵਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੀਪ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸੰਧੂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ।